आप अंडे से बॉलिंग करा रहे हैं। ओके, अगर मैंने एक ओवर में 3 छक्के नहीं मारे तो मेरी टिंड हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान वो टीम है जिसको हारना होगा तो छोटी से छोटी टीम से हार जाएगी, और अगर जीतना होगा तो बड़ी से बड़ी टीम को हरा देगी। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान वर्सेस ऑपोजिशन, इट्स अबाउट पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। और ये कहना है रिकी पाउंटन का, जिससे बहुत ज्यादा मैं इत्तफाक रखता हूँ। वर्ल्ड कप में हमारी टीम को समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। हमारी टीम तो बस ऐसी टीम है, पर एंड में जब वो हार जाती है तो हम लोग सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। इंटरनेट पे एक वीडियो आई हुई है जिसपे एक बंदा लंदन की स्ट्रीट के ऊपर सरफराज को बुरा भला बोल रहा है, और वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि यार एक बंदा जो पाकिस्तानी हीरो है अपनी टीम को प्रमोट कर रहा है, ऊपर से आप उसको इस तरह की बातें बोल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और भाई सरफराज को कुछ बोलो नहीं, हमारी कोयटा ग्लैडिएटर टीम का कैप्टन है वो, PSL जिताया उसने हमें। ओए भाई, पारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और पारे को अभी बॉल लगा। देखो बॉल लग गई है, हाथ उठाए दिखाए तो मुझे ले जाओ यार, मुझे ले जाओ, मैं डैमेज हो गया। आगे भाई, आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच है। अच्छा हाँ जी, और आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान अगर जीते भी फिर भी वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं होगी। आप बहुत बड़े फैन लगते हैं। जी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्चुअली मैं आजकल क्रिकेट मैचेस नहीं देख रहा, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्रिकेट मैचेस आप नहीं देख रहे, आप क्रिकेट मैचेस नहीं देख रहे? क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट। आप अंडे से बॉलिंग करा रहे हैं जी? बस घर गृहस्थी भी संभालनी है, बॉलिंग भी करनी है, दोनों चीज़ें हैंडल करनी। आज जो है पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश का मैच है, और अगर पाकिस्तान जीत भी जाती है तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं होगी। ये सुन के बहुत बुरा लगा, जीते या हारे हमें क्या यार, हमारा कौमी जो खेल है वो तो हॉकी है। ओके पारे भाई को बॉल लगा है। पारे भाई, आपको देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं छक्के चौके मारा करता था, याद है आपको? झूठ बोल रहा है, झूठ क्या बोल रहा है, कुछ नहीं आता। पारे भाई आपकी दुआओं नहीं चाहिए, आपको याद है कि सर वो बचपन था, अभी भी मैं मार सकता हूँ। लग गई शर्त। ओके शर्त लग गई, मैं एक ओवर में 3 बॉल लगने लगी थी। ओके मैं एक ओवर में 3 छक्के मारूंगा, और अगर हार गए तो जो मैं कहूंगा वही होगा। चलो सही है, क्या करना है? ठीक है, क्या करना है? फिर आपकी गंज करूंगा। ओके, अगर मैंने एक ओवर में 3 छक्के नहीं मारे तो मेरी टिंड हो जाएगी, ठीक है, गंजा हो जाऊंगा मैं। अगर तुम लोगों ने, अगर मैंने मार लिए, तुम सब टिंड करोगे, तुम सब गंजे हो गए। यस, डन है, डन है, धन्यवाद। ये देखे, डन। यस कम ऑन। मेरे साथ राणे भाई। राणा भाई, हाँ जी, आपने इतने बड़े बड़े बाल रखे हैं। हाँ जी, अभी मेरे बाल अगर कट गए, अगर मैंने छक्के नहीं मारे, मैं आपको कटवा के दे दूंगा। ये इसके बाल मैं लगवा लूंगा, लेकिन मैं नहीं हारने वाला, मैं हारने नहीं वाला। 3 छक्के एक ओवर में लगेंगे। ओवर कौन कौन कराएगा? मैं करा रहा हूँ। बैट मुझे दे दिया गया अभी, और पारे भाई के साथ मेरी शर्त लगी, आकिब भाई भी है। अगर मैंने एक ओवर में 6 बॉल, 2 ये कराएगा, 2 ये कराएगा, राणा भाई आप इधर आए, राणा भाई भी कराएंगे, और 6 बॉलों में 2, 2, 2 मैंने 3 छक्के मारने। अगर मैंने 3 छक्के नहीं मारे, मैं अपने बाल उड़वा लूंगा, कौन उड़ाएगा मेरे बाल? मैं। अगर मैं इतना नहीं, मैं अच्छा, ओके, मुझे इतनी कॉन्फिडेंस है कि मुझे लगता है कि मैं 3 छक्के मार लूंगा, तो फिर मैं इन तीनों के बाल उड़ाऊंगा। जी शर्त लग चुकी है, देखते हैं, देखते हैं। आ जाए भाई, 3-1 हो जाए, आ जाओ, हम कोयटा ग्लैडिएटर हैं। और अभी चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। टुडे इज वेरी ग्रेट पिच फॉर द बॉलिंग साइड। आई थिंक जाजे वॉन्ट मेक इट फॉर दिस फर्स्ट टाइम ऑफ दिस इनिंग्स, मे बी अनिल विल टेक अ विकेट ऑफ जाजे। Yeah. I'm agreed with you, and weather is so awesome. Picnic bhi aaye hain, cricket khele, aao khele. You guys see this pitch is very awesome for the bowling side. You can see Adi pitch Shruti. Okay, so Rana is not bowling from the pavilion end. He's bowling from gutter end. You can see the gutter end over here. Rana saab daane muh pe bhare hue iske. भाई क्या सूरत हाल है, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? भाई सट्टा तो मैंने लगा लिया, पर बारिश में काम है। और अभी हम चलते हैं मैच की तरफ, जिस तरह आप देख रहे हैं जाजेब एकदम से बल्ले को पकड़ते हुए, पारे बॉल को देखते हुए, अपने हदफ के निशान को पकड़ते हुए, फील्डर्स रेडी हैं, फील्डर्स छोटा वाला भी रेडी है, और पारा भाई बॉल को चाटते हुए, ओए एक्शन ना मार, कटर से निकाला बॉल। और ये पहली बॉल, जाजिब रेडी हैं, पारा भागते हुए, और ये वट्टा बॉल, और ये मिस। बहुत अच्छी बॉलिंग, ये वट्टा बॉल करा रहा है, ये गलत बात है, ये क्या बॉल है? ये क्या है? कोई वट्टा वट्टा नहीं है, मैं ऐसे ही कराता हूँ, ये सबसे अच्छी बॉल है। पारे का कहना है ये वट्टा बॉल नहीं है, वो बचपन से ही ऐसे करा रहे हैं। जाजिब भाई दूसरी बॉल के लिए रेडी, पारा भाई भागते हुए, और ये 6, बहुत ही उम्दा 6। आपको बताता चलूं कि जाजिब को अब सिर्फ 2 सिक्स चाहिए 4 बॉलों में, क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपसे सुनना है, हमने कमेंट्स में बताएं।
ओके अब यह है हमारे नए बॉलर, ये अपने हाथ में बॉल को घुमा रहे हैं। जिस तरह मैं आपको बताता जाऊँ, दो दो बॉल्स सब करवाएंगे, तीन प्लेयर्स दो दो बॉल्स। छोटे होते से खेल रहा हूँ, मुझे मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ, इनको कहाँ बॉल कराऊंगा और ये आउट हो जाएंगे। अभी आप देखें जरा। जी आके को कहना है वो रग रग से वाकिफ हैं। जाज़िब रेडी, आपने बॉल कराई और ये शॉट, और ये बॉल जाते हुए पारे के पास, और ये कैच ड्रॉप, लानत दी गई है बॉलर की तरफ से। देखिए अभी आउट होते होते बच गए, पारे पे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन कंट्रोल किया। लेकिन अभी मैं देखे जूती उतार के इनको कैसे बॉल कराता हूँ, फिर आप देखें। और अभी याकिब जो है वो जूती उतार रहे हैं, शायद हमें इस टेक्निक के बारे में नहीं पता। आ, 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 आ। पत्थर बहुत है, मैं वापस जूती पहन के करवाता हूँ। मैं तो स्पेशल घर से जूती पहन के आता कि आराम से उतर जाए। ओके ये शायद कोई स्पेशल टेक्निक है बॉलिंग। ये और ये बहुत ही शानदार सिक्स बाउंड्री से पार बॉल। और बस अभी जाज़िब को एक और सिक्स चाहिए दो बॉलों में, क्या वो कर पाएंगे या नहीं। अब बताएं, एक छक्का और आकिब के ऊपर एक छक्का लग चुका है, पारे के ऊपर एक छक्का लग चुका है, अब दो छक्के रह, एक छक्का रह गया है। और इसी के साथ हाफ टाइम हो चुका है और हम जाएंगे कमर्शियल ब्रेक पे, और इसके बाद जब हम वापस आएंगे देखेंगे क्या जाज़िब दो बॉलों में एक छक्का मार सकता है कि नहीं मार सकता, और क्या उसके बाल आज सलामत रहेंगे या नहीं रहेंगे, देखते हैं ब्रेक के बाद। हमने एक कपड़े को एरियल से धोया और दूसरे को आम पाउडर से, तो हो जाए चैलेंज। एंड वी आर बैक, राणा इज रेडी फॉर हिज ओवर। और राणे मुंह से बाल तो हटा ले, बॉल कैसे कराएगा। ये बहुत अच्छी बात है, टीम वर्क, आपको एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है और बताना पड़ता है। और ये जाज़िब रेडी, और ये बॉल, और ये मिस शॉट, गलत हो गई इनसे। और मुझे समझ नहीं आ रही ये बंदा क्या कर रहा है, इसे अपने बालों से प्यार है या नहीं प्यार। ऐसी थर्ड क्लास बैटिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और अब है लास्ट बॉल, और मेरा दिल जो है वो टिक टिक कर रहा होगा, आपका भी कर रहा होगा। क्या जाज़िब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक बॉल और एक छक्का, बहुत ही बुरी सिचुएशन। और ये बॉल, और ये मिस शॉट, इसका मतलब कि जाज़िब अब गंजे होंगे, जाज़िब हार चुके हैं। ट्रिमर लाओ, ट्रिमर लाओ, ट्रिमर, बाल काटेंगे इसके। मैं अपने जो वादा मैंने किया था मैं उससे मुकर रहा हूँ, मैं नहीं करवाने वाला, मैं नहीं करवाऊंगा। ओके अभी हम लोग घर आ चुके हैं और पारा भाई जिद कर रहे हैं कि आपके बाल काटने हैं। वैसे मैंने जुबान दी है, पारे भाई प्लीज अगर आप हो सके तो मुकर जाएं इस बात से। नहीं नहीं, बड़ा मजा आएगा, तुम सबको बड़ा मजा आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच इट होने के लिए। चलो छोटे जल्दी यार, देखो एक दफा और सोच लो, एक दफा और सोच लो। अच्छी तरह लग रहा है यार, तुम अगर फुल मुझे नाइयों वाला बना दिया, देख लो यार, प्लीज यार ना करो, गुड प्लीज। देखिए अब सिनेमैटिक शॉट्स नहीं डालता, मैं अपने बाल काटने को सिनेमैटिक शॉट्स नहीं डालता। दाढ़ी भी बनानी थी, मम्मी तो नहीं बना रहे मुझे दाढ़ी, लाए जरा। नहीं कर यार, यार पारे भाई देखें, अच्छा काम नहीं कर रही, नहीं कर रही ना काम, करेगी करेगी, क्या ही बात है, करेगी। नहीं कर रही, देख ऊपर वाला ब्रिज आता है ऐसा, और ये चीज उधर सुना, माइक में सुना यार, ना करो यार, आराम आराम से यार प्लीज। कंघी लेके नहीं नहीं ऐसे कंघी लगी रहने सर, लाइट गई सर, कोई बात नहीं शुरू करे सर। नहीं यार, यार देख नहीं भाई, तेरा मैं हर कहना मानूंगा। नहीं नहीं नहीं, कटी नहीं रहे, कटी नहीं रहे, चिपक गए वो बात। यस यार, इसमें डाली, इसमें डाली, मैं आपके लिए लाया हूँ ये चीज, ये देख सकते हैं आप, ये होता है। लेकिन कुछ घबराना नहीं है, आपने जो घबराते हैं वो काम से जाते हैं। ऊपर से है, ये सिर्फ दाढ़ी लेकर कर रहे हैं, अरे यहाँ से बाल रह गए हैं और ये काट रहे हैं। अरे बात करो, चल
ओके पारा राख ने मिलकर मुझे गंजा कर दिया जिसका मैं बदला बहुत जल्द लूंगा। ये बहुत गंदा प्रैंक था जो उन्होंने मेरे ऊपर किया है और पहली बार मुझे शर्त नहीं लगाने चाहिए थे, मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए था। और अब मैं इस तरह व्लॉग नहीं बनाऊंगा, हमेशा कैप पहन के व्लॉग बनाऊंगा। मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ? इस तरह की शक्ल मैंने कभी शेयर नहीं की तुम लोगों के साथ, तो आज शेयर कर रहा हूँ। तो अगर तुम लोग वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इस तरह की वीडियो हर हफ्ते बनाता हूँ, हमेशा लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। बाय। I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.